जैन साहब बताएं सर आज का जेम स्टॉक्स। यस बिल्कुल, पहले तो मैं आपके लिए एक विश करना चाहता हूं। देखिए कल मदर्स डे था और उसके साथ साथ महाराणा प्रताप जयंती भी था और मेवाड़ क्षेत्र के आप हैं और मेवाड़ क्षेत्र के सबसे, मतलब पिछले साल तो मैंने ट्वीट भी किया था, इस साल मैं ट्वीट करना भूल गया वेरी फ्रेंकली। सो आई थॉट कि मैं आपको विश करूंगा और वो जेम्स देते टाइम पे करूंगा क्योंकि आप उस क्षेत्र के जेम हैं। द होल राजस्थान इज वेरी प्राउड ऑफ यू एंड पर्टिकुलर मेवाड़ क्षेत्र में तो बहुत। और आज सबसे बढ़िया बात एक और है कि दूसरे मेवाड़ क्षेत्र के एक और प्राउड सन आज इंटरव्यू पे आ रहे हैं, नितिन स्पिनर्स के जो प्रमोटर हैं, तो आई थिंक उसी एरिया के हैं। सो इट्स अ कोइंसिडेंस, बट यस अनिल जी, सो यस प्रताप जयंती। बिल्कुल सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने याद रखा। वाकई में जैन साहब आप डेट्स याद रखने के मामले में आपका कोई मुकाबला नहीं है और इससे हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बनता है। ये विश्वेश जी, जय, सब लोग कई बार बोल चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव बड़ा बनता है, लेकिन जो आपकी खूबी है वो तो है ही है। धन्यवाद आपका। बताएं सर आज का आपका जेम स्टॉक। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, अगेन एक राजस्थान की कंपनी है, मंगलम सीमेंट लिमिटेड। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक का जिक्र मैंने पहली बार किया है, मैंने पहले भी किया बट जेम स्टॉक में नहीं दिया। मैं काफी सालों से इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूं, 2012-13 में पहली बार पहले वाली पारी में मैंने दिया हुआ स्टॉक, फिर वापस से दिया। और ये स्टॉक की खास बात यह है कि बिरला ग्रुप की कंपनी है, बीके बिरला ग्रुप कंपनी, और अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि अल्ट्राटेक से रिलेटेड कंपनी है एक तरीके से। और सबसे बढ़िया बात है फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी की एक तरीके से रीरेटिंग होनी चाहिए। सिर्फ 700-750 करोड़ पे ये कंपनी अवेलेबल है, जबरदस्त कैपेसिटी एक्सपेंशन रिसेंटली कंपनी ने किया है और उसकी वजह से देखिए नंबर्स में जबरदस्त इंप्रूवमेंट और जबरदस्त, मतलब बैलेंस शीट में क्वालिटी और इंप्रूव हुई है। स्टॉक का पी सिर्फ 8-8.5, मतलब बहुत सस्ता लगता मुझे। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले ये सिंगल डिजिट में हुआ करता था, अब ये डबल डिजिट में आ गया है, 16.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई 3-5% रहता था जो अब 14% हो गया है। तो ये जो रिटर्न नंबर्स है इनको देखना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके सामने मैं बुक वैल्यू देख रहा था तो प्राइस टू बुक वैल्यू में तो बहुत सस्ता है ये, मतलब आज 1.3-1.2 के लगभग ये चल रहा है, सो दैट इज अगेन वेरी इंप्रेसिव। फिर प्रॉफिट की मैं कैगर देख रहा था, पिछले 3-5 सालों में कंपनी में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आया जो मैं बता रहा था, तो 5 साल की प्रॉफिट की कैगर 30% के लगभग है और सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है, 5-7% की आई है। तो रीजन ये है कि इनके जो ओपीएम्स है वो जबरदस्त बढ़े हैं, इनफैक्ट इनकी कंपनी के जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जो माइंस है लाइमस्टोन के रिजर्व्स और कैप्टिव पावर प्लांट्स, इनकी वजह से मार्जिन्स का बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है। तो वहां पे आप देखिए हाईएस्ट एवर ओपीएम दिसंबर के क्वार्टर में आया है, दैट इज अराउंड 23%, व्हिच इज अगेन वेरी इंप्रेसिव। दिसंबर 19 में 12 करोड़ कंपनी कमाती थी और दिसंबर 2020 में 37 करोड़ का पैट, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा। और मार्च 2010 में एक बार ये पहले 120 करोड़ रुपया का पैट हुआ करता था, इसके सामने टीटीएम बेसिस पर भी 88 करोड़ का पैट है। तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में और बढ़िया चलेगा ये। सो जिस तरीके से ये सारे फंडामेंटल्स हैं और जिस तरीके के टॉप लाइंस और जिस तरीके के आगे आने वाले रिजल्ट्स हैं, मुझे लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये स्टॉक आराम से 330-340 के टारगेट्स के लिए आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे। और इसका हाइज में एक बार बता दूं कि 470 के ये हाइज पहले दिखाया हुआ है, सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। एंड सीमेंट सेक्टर पे वैसे ही काफी सारे स्टॉक्स मैंने दिए हुए हैं, तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे बिल्कुल लेना चाहिए। मंगलम सीमेंट खरीदारी करिए और मिडकैप सीमेंट में तो जैन साहब जबरदस्त पिक्स हमारे लिए हर बार लेकर ही आते हैं, तो ये एक काउंटर है जहां पर आपको रखनी है नजर, अच्छे गेंस आपको यही दिखा सकता है। आइए चलते हैं जय ठक्कर के पास, बिगुल कैश का ऑप्शन।